morning, all of you. Today we will discuss class 10 arithmetic progression. हम लोग previous class में nth term find करने के पढ़ चुके हैं और revision करना है प्रोविंशियल बुक से. My question, exercise 5.2, question number 4, which term of the AB 78 किस टर्म पर होगा? जैसे टर्म 1 है, टर्म 1 है 3, टर्म 2 इज 8, टर्म 3 इज 13, ऐसे नंबर आएगा तो 78 किस टर्म पर होगा, तो हमको फाइंड करना है कि 78 किस टर्म पर आएगा. क्लियर? तो आपको देखना है 78, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए एंड कॉमन डिफरेंस. जब भी एपी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले ए फाइंड करें. ए मींस फर्स्ट टर्म, जो कि क्या है 3 है. कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, टी टू माइनस टी वन, यानी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. कॉमन डिफरेंस आ गया 5. लास्ट नंबर इज 78 और एन इज इक्वल टू 78. इस क्वेश्चन में आपका तीन चीज दे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और लास्ट टर्म. इसको हम एल भी बोलते हैं. लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है? 78 है. तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कीजिए. वी नो दैट पी एम इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. पीएम मीन्स लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस. तो आपने एन छोड़ करके जितने भी हैं डी है, ए है और टी है, इसका वैल्यू आपको मालूम है. तो सब का वैल्यू आप पुट कर दो, जितना भी है ए का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू और लास्ट टर्म का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए. ठीक है? कहां पुट करेंगे? तो इस फॉर्मूला में टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में हम पुट करेंगे. तो टी एन इजकल टू 78 माइनस ए प्लस पर 78 इक्वल टू 3 प्लस एफ फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म. अब कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 5. कॉमन डिफरेंस क्या है? 5. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें. सॉल्व करना आसान है. फर्स्ट 78 रखने दो, 3 प्लस 5 इंटू एन, 5 एन और माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव. अब देखिए 3 माइनस फाइव माइनस टू और माइनस टू को ले आओ एलएचएस में, तो 78 और यहाँ बचा माइनस टू, एलएचएस में आकर प्लस टू इक्वल टू 5 एन. तो एन इक्वल टू 78 प्लस टू 80, 80 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 80 देखते हो बस 1 और 6 का आधा 30, n इज इक्वल टू 60. तो पूछा विच टर्म ऑफ ए बी इक्वल टू 78, हमें 60 टर्म ए 78, हमें 60 टर्म पर आपका ये नंबर आएगा 78. किस टर्म पर आएगा? तो 16th टर्म पर 78 आएगा. इसी में सीक्वेंस आ रहा है, टर्म 1 को लिया है, टर्म 2 8, टर्म 3 13, टर्म 4 18, तो टर्म 16 जो आएगा, टर्म 16 और यहां पर आपका 78. फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है. फाइंड
क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन इज फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन समझो एग्जाम में आना ही है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। जैसे आप जब लिखते हो पी एम इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू बी, जब आप फाइंड करोगे उन एलिमेंट्स टी एलिमेंट मतलब पी क्या लिखेंगे? ये चीज समझ में आ गया। अब इसको देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़े हो, जनरली वो एक्स वाई के फॉर्म में रहता है या यू वी के फॉर्म में रहता है। यहां आपका टू वेरिएबल्स है ए और डी के फॉर्म में। हम इससे ए और डी फाइंड कर लेंगे। जैसे यहां आप ए और डी फाइंड करते हैं, यहां भी ए और डी फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां प्लस है तो माइनस सिंबल चेंज होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। माइनस से आप प्लस है कैंसिल, एट माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव
-73 और +38 38 को माइनस करो 5 और 6 माइनस 3 ये तो कितनी 80 होगा क्योंकि माइनस का आपका ज्यादा करते हैं तो d इक्वल टू -35 बाय -5 माइनस माइनस करके और 7 d क्या है d का वैल्यू पुट कर दो कोई भी कर सकते हो ओके d in equation 1 for the first question we have to try d का वैल्यू अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हो तो d का वैल्यू क्या आएगा आपका इक्वेशन है a plus 10 b इक्वल टू 38 d इक्वल टू 7 पुट करो a plus 70 b इक्वल टू 38 10 into 7 70 इक्वल टू 38 तो a इक्वल टू 38 minus 70 इक्वल टू minus 32 इतना गया अब आप इस एपी का ए और डी फाइंड कर लिए प्रॉब्लम हो गया है कनेक्शन में नेट चला गया नेट चला गया नेट गया अरे यहाँ लगाया था वाई फाई यहाँ का बड़ा गड़बड़ कर रहा अपना ले लिया अपना नेट कर दिया हेलो हाँ क्लियर है आवाज हाँ नेट रहता चला जाता है तो हम ए फाइंड कर लिए a इक्वल टू क्या आया -32 और b इक्वल टू 7 अब दो चीज जब फाइंड कर लिए तो फाइंड करना है क्या क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को प्रॉब्लम अगर है तो फिर से हम एक बार बता देंगे बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2 में एनी प्रॉब्लम